वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 83, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमें ये समझना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज किया गया हो तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा और किस तरीके से हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। फ्रेंड्स, बात करते समय हम लोग कई बार सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मैडम क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, सर आप कहाँ से हैं, मैडम आपका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे हो और उसे हम ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहें तो ऐसी कंडीशन में हम सर या मैडम जैसे शब्दों का यूज संबोधन के रूप में करते हैं। कई बार क्या होता है कि सर और मैडम जैसे शब्द का यूज हम लोग सेंटेंस के पहले कर लेते हैं और कई बार सेंटेंस को बोलने के बाद हम सर और मैडम बोल देते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मैडम, तो मैडम जैसे या सर जैसे शब्दों का यूज सेंटेंस के पहले या फिर सेंटेंस के बाद में किया जा सकता है। तो हमें आज यही समझना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज किया गया हो तो उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सभी जगह मैंने या तो सर लिखा है या फिर मैडम, और यहाँ पर देखिएगा इस सर शब्द का यूज मैंने सेंटेंस के लास्ट में कर दिया है। तो दोनों ही कंडीशन ठीक है, आप सर या मैडम जैसे शब्दों का यूज सेंटेंस के पहले या फिर आप बाद में कर सकते हो। अब ऐसी कंडीशन में से अगर हमें इनडायरेक्ट करना होता तो हमें क्या करना होता, वो सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमें सारे पुराने रूल तो फॉलो करने ही है, इसके अलावा हमें क्या करना होगा वो देखिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को हमें कॉपी करना होगा। अब पुराना रूल देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा है कि आई एम एट होम तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, सब्जेक्ट से हुई है, और ऐसी कंडीशन देखिए वो बताने का काम कर रही है। तो इस सेट टू को हटा देना होगा और हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, टोल्ड। फिर इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। अब ये बताइए कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल हो यानी इसकी शुरुआत अगर सब्जेक्ट से हो रही है तो ऐसी कंडीशन में इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, दैट का यूज किया था। तो आपको दैट का यूज करना है, लेकिन आपको समझना ये है कि जिस शब्द का यूज आप इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए कर रहे हो उस शब्द के ठीक पहले आपको रिस्पेक्टफुली लिखना होगा। तो मैं क्या बोलने वाला हूं देखिएगा, सी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, आर ई एस PECTFULLY, यानी इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने वाले शब्द के ठीक पहले हमें रिस्पेक्टफुली लिखना होगा। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, दैट लिखना होगा। अब अगली कंडीशन देखिएगा कि अब इस दैट के बाद हमें सर या मैडम जैसे शब्दों को लिखना ही नहीं है, इस सर और मैडम जैसे शब्दों को हटा देना होगा। और इस आई का रिलेशन किससे बनेगा, इस सी से, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि सी was at home। तो ध्यान से देखिए कि हमारा सेंटेंस क्या था कि she said to me sir I am at home, और इसको हमने इनडायरेक्ट किया तो मैंने क्या बोला है, she told me respectfully that she was at home। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में इज़म आ आएगा तो उसे तो हमें वॉज वर्ब में बदलना होगा, और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पहले ही पढ़ के रखा है। तो क्या दिया हमने यहाँ पर, ये देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने वाले शब्द के ठीक पहले में क्या लिख देना है, रिस्पेक्टफुली, और सर और मैडम जैसे शब्दों को हटा देना है, बाकी सारे पुराने रूल्स ही हमें फॉलो करने हैं। एक एग्जांपल मैंने और आपके सामने लिखा हुआ है और वो क्या लिखा है कि ही सेड टू हर, मैडम आर यू अ टीचर। तो देखिए जो लड़का है ना, इस लड़की से पूछ रहे हैं कि क्या आप शिक्षक हैं, बट उसने क्या बड़ी विनम्रता से पूछा है, रिस्पेक्टफुली ढंग से पूछा है कि मैडम क्या आप शिक्षक हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो अभी भी कॉपी करना है। इस सेट टू को अगर चेंज करेंगे तो किस में बदलना होगा हमें, आफ्ट में, क्योंकि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, हर लिखना होगा। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें किसका, इफ का यूज करना है, लेकिन इफ के पहले हमें क्या लिखना होगा, रिस्पेक्टफुली, आर ई एस PECTFULLY,
और इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, इफ का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इसके ठीक बाद हमें सब्जेक्ट रखना होगा, तो इस यू का रिलेशन किससे बनेगा, हर से, और इस हर का जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब फिर से इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, बॉस, और आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, टीचर। तो ध्यान दीजिए हमारा सेंटेंस क्या बना, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ सी वॉज अ टीचर। अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा हुआ है, सी सेड टू हिम वेयर डू यू प्ले सर। अब इसको अगर मैं बनाऊंगा तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, इसको ध्यान देखिएगा, क्या हुआ, सी, और सैड को मैंने किस में बदल दिया, आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हिम। इसके बाद देखिए अगर सर लिखा हुआ है यानी क्या, वो फिर से यहाँ पर रिस्पेक्ट तो दे रही है उस व्यक्ति को, तो ऐसी कंडीशन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली फिर से लिखना होगा, आर ई एस पी ई सी टी एफ यू डबल एल वाई। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही हो तो इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में आए डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज किया जाता है। तो इस रिस्पेक्टफुली के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, वेयर। अब इस वेयर के बाद मुझे क्या, सब्जेक्ट को ऐड करना होगा, तो यू का मतलब किससे था, इस हिम से, इस हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ही, और सेंटेंस का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर ही प्ले। और सर या मैडम जैसे शब्दों को तो मुझे हटा ही देने, तो आपने देखा मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिखे थे। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सेड टू मी सर प्लीज पी एल ई ए एस ई प्लीज हेल्प मी, अब ऐसी कंडीशन मुझे क्या करना होगा, तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूँ, रिक्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि अब ये लड़की अपनी सहायता करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सी रिक्वेस्टेड मी, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, सी रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली, और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, टू लिखना होगा। उसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को कॉपी कर देना है, और इसके बाद इस मी का रिलेशन किससे बनेगा, इस सी से, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, हर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि सर या मैडम जैसे शब्दों को हटा दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए जिस शब्द का हम यूज कर रहे थे उसके ठीक पहले क्या लिख दीजिए, रिस्पेक्टफुली लिख दीजिए, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस सेंटेंस में सर को हटा दूं तो हमें क्या करना था, इस रिस्पेक्टफुली को हटा देने और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से अगर मैं इस सेंटेंस से मैडम को हटा दूं तो फिर से हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा, रिस्पेक्टफुली को हटा देना होगा। तब देखिए जो हमारे रूल्स थे ना, ये पुराने रूल्स हो गए। क्या लिखा था कि ही सेड टू हर आर यू अ टीचर, तो क्या बन गया, ही आस्क्ड हर इफ सी वाज अ टीचर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं क्या, नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये देखना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें क्या करना होगा। बट फ्रेंड्स पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, इच्छात्मक वाक्य, और ऐसे वाक्य में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से किसी के लिए दुआ, किसी के लिए बददुआ, या फिर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर कोई कहीं आ जा रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, विश करते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, कोई मेरे पास है और मेरा पैर छुए तो मैं उसे आशीर्वाद देने के लिए ऐसा कहूँगा ना कि आपका जीवन बना रहे, या फिर आपकी उम्र लंबी हो, या फिर भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भगवान आपको सफलता दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि मैंने किसी के लिए दुआ, बद्दुआ, या फिर किसी को मैंने आशीर्वाद दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड ये करना होगा कि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, मे से होती है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, कोई मेरा पैर छुए तो मैं क्या बोलूँगा, मे यू गेट सक्सेस, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मे यू लिव लॉन्ग। आप कहीं जा रहे हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ क्या, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी।
तो फ्रेंड्स क्या आपने माइंड किया कि हमारे हर एक सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही थी, मे से। और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बट फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि इनकी शुरुआत मे से नहीं होती, बट फिर भी हमें ये मान के चलना होगा कि इसकी शुरुआत मे से हो रही है। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को जो सेंटेंस है ना उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मे से हुई, और ऐसा तीनों ही सेंटेंस में किया गया है। और जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत मे से होती है तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, यहाँ पर या तो किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी के लिए दुआ या फिर बद्दुआ, या फिर किसी के लिए विश किया जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। और ये तीनों एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट स्पीच हो गए। अब अगर इसे हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो हमें कौन कौन सा रूल्स फॉलो करना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना होगा, उन सारी बातों को आराम से समझिएगा। पहली बात तो ये कि हमें ये समझना होगा कि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो क्या रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है, किसी को विश किया जा रहा है, किसी को दुआ दी जा रही है या फिर बददुआ दी जा रही है। और जब इन बातों का आपको पता चल जाएगा तभी जाके आप सेंटेंस को बदल पाएंगे। तो माइंड कीजिए कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है तो हमें से को प्रे में, और किसी के लिए अगर हम विश कर रहे हैं तो हमें से को विश में, अगर हमने किसी को आशीर्वाद दिया है तो से को हमें ब्लस में, और अगर हमने किसी को बददुआ दे दी तो से को हमें कर्स में बदलना होगा। लेकिन अगर से लिख के आएगा तब आप वहाँ पर प्रे लिखोगे, ब्लस लिखोगे, कर्स लिखोगे, विश लिखोगे। लेकिन अगर वहाँ पर सैड लिख के आ जाएगा तो क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको सैड को प्रेड में, विश्ड में, ब्लस्ड में या फिर कर्स्ड में बदल देना होगा। अब इन बातों को ध्यान में रखकर इसको हम लोग इनडायरेक्ट कर देंगे। तो पहला काम क्या करना होगा आपको फ्रेंड्स कि आपको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी ये मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तो इस सेट को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ब्लस्ड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ही ब्लस्ड, और इस टू को भी हमें हटा देना है। तो मुझे यहाँ पर पूरा क्या लिखना पड़ेगा, ही ब्लस्ड मी। और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दैट। इस दैट के ठीक बाद मुझे क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन था हमारा, यू, और यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से, और मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई। और फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में कभी देखा है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज किया गया है तो उसे हमें माइट में बदल देना होगा। तो इस आई के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, माइट लिखना होगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या थे, लिव, और लिव के बाद हमें यहाँ पर क्या, लॉन्ग को कॉपी कर देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही ब्लस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि जीवन तो मेरा लंबा होगा, आशीर्वाद किसको मिला है, मुझे। तो यहाँ पर मुझे डैट के बाद क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। एक सेंटेंस और देखिएगा क्या लिखा है, सी सैड टू हिम, यानी कोई लड़की है जो किसी लड़के से कहती है और वो क्या कहती है कि मे यू गेट सक्सेस, यानी तुम्हें सफलता प्राप्त हो, यानी इसने इसके लिए कामना की है, यानी इसने विश किया है। और ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है। अब इस सैड टू को हमें विश्ड में बदल देना होगा, डब्ल्यू आई एस एच ए डी। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखते जाएगा, सी विश्ड, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हिम। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, दैट। अब इस यू का रिलेशन किससे बन गया, हिम से, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ही, और ही के बाद फिर से मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, माइट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी गेट, और उसके बाद सक्सेस को कॉपी कर दीजिए। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इससे विश्ड हिम दैट ही माइट गेट सक्सेस। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने और लिखा है, और वो क्या लिखा है मैंने कि ही सैड मे गॉड सेव माय फादर्स लाइफ, यानी ये लड़का है जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे पिताजी का जीवन बचाइए। अब इसको अगर मैं बनाता हूँ तो मैं क्या करता, सबसे पहले ही यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना ही था। अब सैड को हम किससे बदल देंगे, प्रे में। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैड। तो क्या बोलूंगा मैं, ही प्रेड। और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, भगवान, क्योंकि जीवन बचाने का काम कौन करेगा, भगवान करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, गॉड। और गॉड के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, माइट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या थी, सेव। अब देखिए इस माई का रिलेशन बनाते हैं, तो माई का रिलेशन किससे बनेगा, इस ही से।
क्योंकि प्रार्थना वो लड़का कर रहा है और वो कहता है कि मे गॉड सेव माय फादर्स लाइफ, तो जीवन किसके पिता का बचेगा, उसके। तो इस ही का जो अपना होगा यानी माय का जो रिलेशन ही से बना था, तो ही का पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिज, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, फादर्स, फिर क्या, लाइफ। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिज फादर्स लाइफ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बात सारी समझ में आ गई होगी, तो आप भी कुछ एग्जांपल लीजिए और उसको इनडायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बट आपको सारे रूल्स दिमाग में बैठा कर ही इसको इनडायरेक्ट करना होगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं क्या, नरेशन की सीरीज का अगला भाग, जहां पर हमें यह समझना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर मस्ट का यूज किया गया है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। फ्रेंड्स यहाँ पर माइंड कीजिए कि यहाँ पर मस्ट का यूज़ तो किया गया है, लेकिन इस मस्ट से हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं या फिर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनका बोध हो रहा है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए मस्ट से हमारे कर्तव्य या फिर हमारी जिम्मेदारियों का बोध हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मस्ट को हम नहीं बदलते, हमें मस्ट को एज इट इज़ कॉपी करना होता है। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख के रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। देखिए मैंने लिखा है क्या, पहला एग्जांपल कि ही सैड वी मस्ट लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गया, ये कर्तव्य ही है। अगर हम अपने देश से प्यार नहीं करते तो हम क्या कहलाएंगे, गद्दार कहलाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर माइंड कीजिएगा, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट तो मिल नहीं रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को तो कॉपी करना था, सैड को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सैड को टोल्ड में नहीं बदलते। तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा मैंने, ही, फिर क्या लिखा है, सैड, और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लगाना होगा, दैट, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर हम चुपचाप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। वी मस्ट लव अवर कंट्री, CONTRY। तो आप ध्यान से देखिए, ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच और ये हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस हमारा क्या बना इनडायरेक्ट में, ही सैड दैट वी मस्ट लव अवर कंट्री। दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, सी सैड वी मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना है, फिर क्या लिखना है हमें यहाँ पर, सैड लिखना है, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें क्या लगाना होगा, दैट, फिर से सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पर, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, PARENTS। एक एग्जांपल और आपके सामने लिखा है, क्या लिखा मैंने कि माई टीचर सैड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अगर यहाँ पर सैड के बाद होता कि माई टीचर सैड टू मी, तो उस कंडीशन में उसको टोल्ड कर देता, बट यहाँ पर एक्चुअली बोल रहे हैं क्या टीचर जी कि वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो कौन है, माय टीचर, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, सैड, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, दैट, और बाकी सारी चीज़ें फिर से मुझे यहाँ पर कॉपी करनी है, वी मस्ट रिस्पेक्ट RESPECT our elders, ELDERS। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मस्ट का यूज़ किया गया है और इससे नैतिक कर्तव्य या फिर जिम्मेदारियों का बोध हो, तो हमें मस्ट को चुपचाप कॉपी करना होता है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स अगर मस्ट से प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की गई हो, यानी मस्ट का यूज़ प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में मस्ट को हमें बदलना होता है। अब इसमें कैसे बदलेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने फिर से दो सेंटेंस लिख के रखा हुआ है, जहाँ पर मैंने मस्ट का यूज़ फिर से किया है। और यहाँ पर देखिए, जब मैंने आपसे कहा था आई मस्ट गो या फिर आई मस्ट बाय अ न्यू कार, तो क्या इससे हम नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें मस्ट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या फिर विल हैव टू में बदल देना होगा।
तो ध्यान से देखिए कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो इस मस्ट को हमें हैड टू में बदलना होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो मस्ट को हमें हैज टू और हैव टू में बदल देना होगा। इसको मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच। अब मैं इसको इनडायरेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या लिखा मैंने, ही सैड दैट। इस आई का मतलब किससे हो गया, ही से। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, ही, और मस्ट को मुझे किस में बदल देना होगा, हैड टू में बदल देना होगा। और उसके बाद क्या लिखना है, गो। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही सैड दैट ही हैड टू गो। एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है मैंने क्या, सी सेज टू मी आई मस्ट बाय अ न्यू कार। और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, प्रेजेंट का। अब अगर बात प्रेजेंट की है तो हमें मस्ट को हैज टू और हैव टू में बदलना होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, सी लिखा मैंने, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर टेल्स, क्योंकि यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हमें से को टेल में बदलना होगा। सेज लिखा था तो मैंने क्या लिखा, टेल्स। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मी। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दैट। और उसके बाद क्या, आई का मतलब किससे था, सी से। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, सी। और मस्ट को मुझे बदल देना है किस में, हैज टू में। तो सी हैज टू बाय अ न्यू कार। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था ये हमारा क्या कहलाया, डायरेक्ट स्पीच। और ये हमारी क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं क्या, नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये समझना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आ जाएं तो इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। बट फ्रेंड्स पहले आपको ये समझना होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होते हैं क्या, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये इसकी हिंदी होगी। और इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, इनकी शुरुआत कुछ इंटरजेक्शंस जैसे आ, ओ, अल्लास, ब्रावो और हुर्रा या फिर वेल डन जैसे शब्दों से होती है। कई बार ऐसा होगा कि इनके अलावा भी और शब्द आएंगे, बट आपको माइंड ये करना है कि इसमें ये जो साइन लिखा हुआ है ये साइन जरूर लग के आएगा। और जब भी ऐसा साइन आपको लिख के आ जाए तो आपको समझना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अब अगर बात डायरेक्ट स्पीच की है कि डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ चुके हैं तो इसे हमें इनडायरेक्ट कैसे करना होगा, यही सारी बातें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। और आप ध्यान से देखिए तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिखा आपको, अलास, ब्रावो, ही। इसी तरीके से और भी शब्द होंगे, ओ, आ, वेल डन। आपको माइंड ये करना है कि जैसे इस तरीके के शब्द यूज़ किए जाएंगे और ऐसा साइन आपको लिख के आएगा तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में इसे हमें इनडायरेक्ट कैसे करना होगा, इन सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो पहला काम हमें करना होगा क्या कि हम सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करें। इस सेट की जगह हमें लिखना होगा क्या, एक्सक्लेम्ड विथ, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या जोड़ देना है, विथ। यानी हर बार आपको सेट को हटाकर क्या लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विथ लिखना होगा। और इस विथ के बाद आपको थोड़ा सा रुकना होगा, समझना होगा कि आखिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया हुआ है उसका सेंस क्या है। यानी हमें यह समझना होगा कि आखिर यहाँ पर इस व्यक्ति को दुख हो रहा है, इसको खुशी हो रही है, ये बात ये क्रोध में कह रही है, या फिर ये कोई बात जो कर रही है वो पछतावे में कर रही है, या फिर इसे किसी चीज़ का क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो बात को समझिएगा, सी सैड अलास आई एम रुइन। यानी ये लड़की है और क्या कहती है कि मैं बर्बाद हो गई। रुइन का मतलब होता है क्या, बर्बाद हो जाना। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई बर्बाद हो जाएगा तो उसे खुशी तो नहीं होगी, उसे क्या होगा, दुख होगा। तो आप बात को समझते जाइएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात कही गई हो अगर उससे दुख का सेंस आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें विथ के बाद क्या लिखना होगा, शरो। खुशी का सेंस आएगा तो हमें विथ के बाद क्या लिखना होगा, जॉय।
अगर क्रोध की बात आएगी तो हमें क्या लिखना होगा, एंगर। अगर सरप्राइज यानी आश्चर्य की बात होगी तो आपको सरप्राइज लिखना है, और अगर बात पछतावे की होगी तो आपको रिग्रेट का यूज करना होगा। यानी कहने का मतलब एक्सक्लेम्ड के बाद विथ तो लिखना ही है, विथ के बाद जॉय, सारो, एंगर, सरप्राइज या फिर रिग्रेट जैसे शब्दों का यूज आपको करना होगा। अब इन शब्दों का यूज करने के पहले आपको इस सेंटेंस के सेंस को समझना होगा। फिलहाल अभी की बात करें तो सी सैड, अलास, आई एम रोइन, यानी ये लड़की कहती है कि मैं बर्बाद हो गई, यानी इसको यहाँ पर दुख हो रहा है। तो इस विथ के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, शारो, एस ओ डबल आर ओ डब्लू, जहाँ पर शारो का मतलब किससे होता है, दुख से होता है। अब आगे देखिएगा, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दैट का यूज़ करना होगा। अब इस दैट के बाद देखिए, इस तरीके के जो भी शब्द होंगे उन सबको हमें क्या करना होगा, हटा देना होगा, और इसके बाद सारे पुराने रूल्स को फॉलो करके आपको आगे का सेंटेंस बनाना है। तो इस आई का मतलब किससे था, सी से, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा। अब देखिएगा, इज़ एमआर आया हुआ हो तो इज़ एमआर को हमें वाजवर में बदल देना है अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो। तो यहाँ पर हमें सी के बाद क्या लिखना होगा, वॉज लिखना होगा, और इस रोइंड को हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो हमारा जो सेंटेंस है ना वो क्या बना कि सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट सी वॉज रोइंड। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा हुआ है, क्या, दे सैड ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, क्या बोला जा रहा है कि हम मैच जीत चुके हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम मैच को जीत गए हैं तो हमें खुशी होगी, दुख नहीं होगा, क्रोध नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा इसको मैं इनडायरेक्ट कैसे करूँगा। सबसे पहला काम होगा कि हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लें, यानी मैंने दे को यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब इस सेट को हमें एक्सक्लेम्ड विथ में बदल देना है, तो बदल दीजिए ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लेम्ड विथ। इसके विथ के बाद हमें क्या करना होगा, जॉय लिखना होगा, क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, खुशी की हो रही है। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लगाना होगा, दैट, और इस वी का रिलेशन किससे बनेगा, दे से, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दे। अब माइंड कीजिए कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना होता था। तो दे के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, हैड। बाकी सारी चीज़ें आपको कॉपी ही करनी है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना देखिएगा ध्यान से, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये होगी हमारी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा है, क्या, सी सैड हे यू आई विल किल यू, यानी ये लड़की है ये गुस्से में आकर कह रही है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो इसको भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर सी लिखा, और उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विथ ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, फिर यहाँ पर क्या लिखना होगा मुझे, विथ। अब ये बात क्या कर रही है, गुस्से में कर रही है, क्योंकि अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो 100% वो गुस्से में होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, एंगर। विथ के बाद मैंने एंगर यूज़ कर लिया। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, दैट। अब इस आई का मतलब किससे था, इस सी से था, क्योंकि जान से कौन मारेगी, ये लड़की। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, शी लिखना होगा। और विल को मुझे किस में बदल देना होगा, वुड में, किल मी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर मी क्यों लिखा, क्योंकि वो लड़की मुझसे ही तो कह रही है ना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये बात वो गुस्से में कर रही है। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये बन गई हमारी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सी एक्सक्लेम विथ एंगर दैट शी वुड किल मी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं क्या, नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के पद आ जाए तो उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। लेकिन फ्रेंड्स पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये संबोधन के पद क्या होते हैं। संबोधन के पद का मतलब होता है क्या, टर्म्स ऑफ एड्रेस।
हिंदी में इसको क्या बोला गया, संबोधन के पद। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात को रखने के पहले यानी अपनी बात को कहने के पहले हमारे सामने जो लोग होते हैं ना उनको संबोधित करने के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इडियट्स, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका यूज संबोधन करने के लिए किया जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के पद आ जाए तो हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल लेकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है और एग्जांपल क्या है, मिस्टर मोदी सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स आई थैंक यू ऑल। तो आपने ध्यान दिया क्या कि मोदी जी जब लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों को संबोधित करने के लिए उन्होंने एक शब्द का यूज किया और वो शब्द क्या था फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड शब्द था ना यही हमारा क्या कहलाएगा, संबोधन का पद कहलाएगा। अब ऐसी कंडीशन आने पर इसे अगर हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो इसको इनडायरेक्ट करने के दो तरीके होंगे, दोनों ही तरीके ठीक होंगे, आप दोनों में से किसी एक का यूज करके इससे आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए तभी जाके काम बनने वाला है। तो पहला तरीका क्या है सुनिएगा, मिस्टर मोदी एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट ही थैंक देम ऑल। तो पहला काम मैंने क्या किया है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी किया है, इसके बाद मैंने क्या लिखा है एड्रेस, फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, एज लिखा है, एज के बाद मैंने जो भी संबोधन के लिए यूज किया गया था उस शब्द को कॉपी किया, फिर मैंने सैड लिखा और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर दैट का यूज किया है, इसके ठीक बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर ही, और जो ही था वो किसके लिए यूज किया गया, मोदी जी के लिए, फिर मैंने क्या लिखा है थैंक लिखा है जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलना होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना देखिएगा, मिस्टर मोदी एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट ही थैंक देम ऑल। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या होगा, एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स मिस्टर मोदी सेड दैट ही थैंक देम ऑल। और दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों में से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, और एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, द लीडर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। इसको भी बनाने के दो तरीके होंगे, तो पहला तरीका क्या होगा, द लीडर एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वर हिज होप। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट दे वर हिज होप। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।